नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर। इन बीसीएन की खास मुलाकात की इस खास पेशकश में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक देश की हम कामना करते हैं, एक समाज की हम कामना करते हैं, परिवार की हम कामना करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार जो है एक मजबूत ताकत से जुड़ा रहे। एक स्ट्रांग परिवार आपको एक स्ट्रांग समाज देता है और स्ट्रांग समाज आपको एक स्ट्रांग देश देता है। तो ये स्ट्रांग फैमिली और स्ट्रांग सोसाइटी क्या है, इस बाबत चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बेनजीर खान, जिनका मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही हमारे साथ में है कुरतुलैन पुसरा जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहतरमा के बारे में बता दूं कि आप जमात इस्लामी हिंद नागपुर लेडीज विंग से हैं, जहां पर बेनजीर खान जो है यूनिट प्रेसिडेंट है नॉर्थ वेस्ट नागपुर की, वहीं कुरतुलैन बुसरा जी जो है वो दवा सेक्रेटरी है वेस्ट नागपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। हम बात कर रहे थे स्ट्रांग फैमिली मेक्स दिस स्ट्रांग सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं बेनजीर जी आपके तरफ आना चाहूँगा, आप इसको थोड़ा सा विश्लेषण में बताएं कि क्या है ये स्ट्रांग फैमिली और स्ट्रांग फैमिली एंड स्ट्रांग सोसाइटी का कंसेप्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्ट्रांग फैमिली एंड स्ट्रांग सोसाइटी एक हमारी कैंपेन है जो नेशन वाइड चल रही है। ये कैंपेन हमने फ्रॉम 19 फरवरी 28 फरवरी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये कैंपेन बनाने का हमारा मकसद है कि समाज में जो फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट है या फैमिली होने का जो एक तस्वीर जिसको कह रहे हैं, जो खोता जा रहा है, उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उनको उसके महत्व के बारे में उनसे बात करना, ताकि वो अपने सोसाइटी की तरफ जा सके फैमिली। बुशरा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रांग फैमिली हो, एक स्ट्रांग सोसाइटी हो, तो आप एक स्ट्रांग फैमिली के क्या मायने आप प्रस्तुत करना चाहेंगे दर्शकों के सामने? स्ट्रांग फैमिली देखिए, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चे साथ में रहते हैं, तो देखिए वाइफ जो है मेन जो रोल होता है तो वो औरत का रोल होता है जी। घर में जो मेन जो होती है वो औरत होती है, उसी से मतलब उसके ही नक्शो कदम पे जो बच्चे होते हैं उसके नक्शो कदम पे बच्चे चलते हैं। तो मेन औरत और घर का जो मर्द होता है वो कवाम है। तो औरत और मर्द दोनों अगर बहुत अच्छे हैं तो उनका जो परिवार होगा, तो वो खानदान जो होगा उनका बहुत अच्छा निकलेगा। अगर दोनों में खराबी है तो फिर उनकी जो नस्ल निकलेंगी, औलादे निकलेंगी, तो वो फिर बेहतर नहीं होंगी। जहाँ हम जो विश्लेषण करें इसका डिटेल में जाके, खराब का मतलब हम ये समझे कि कहीं आपस में अनबन हो, या कहीं वो एक जो कोऑर्डिनेशन जो होता है फैमिली के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन अगर सही नहीं हो तो बात बिगड़ सकती है, ऐसा आप कहना चाह रही हैं? जी जी, मेरा ये नहीं मतलब ये है कि देखिए औरत और मर्द में रिलेशन अच्छे नहीं है और जो इस्लामिक वे में नहीं चल रहे, समाज में दूसरे धर्म में भी जो चीज़ें बताई जाती है हम उसको अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लैंग्वेजेस हम घर में सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बच्चों के सामने हम सही तरीके से पेश नहीं कर आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है ख़राब निकलते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वो ख़ानदान ख़राब होता है और माशरा भी, उससे सोसाइटी जो है वो ख़राब होती है। यानी कहीं ना कहीं बेनजीर जी, हमें जो एक संस्कृति दी है, चाहे जैसा कि आपने कहा कि धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, लेकिन एक संस्कृति जो दी रहती है उस संस्कृति का पालन करना, चाहे वो इस्लामिक हो या हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, तो उसका पालन करना और आने वाली पीढ़ियों को उसको सहेज के रखने की शिक्षा देना, क्या इस दिशा में सबने जाना चाहिए? जी देखिए, हम अगर इसको धर्म ना को ना लेते हुए अगर हम इसको अगर ऐसा लें कि अगर हमने सब भारतीय संस्कृति को भी अगर चले, जिसमें यहाँ पर है कि बड़ों का आदर होना चाहिए, छोटों से प्यार होना चाहिए, माँ बाप की अपनी उनका अपना आदर होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग हमारे सामने आएंगी। जब हम सोसाइटी में फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली को बनाते टाइम किन चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए, हमको हम शिक्षाएँ मिलती हैं तो उसमें होना चाहिए कि हम जब बीवी को बनाना चाहते हैं बीवी की तरफ, तो उसमें हमको क्या गुण देखना चाहिए, है ना, और बच्चों के ऊपर हमको क्या संस्कारों के ऊपर हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्या उनको सिर्फ हमको एक मशीन बना देना चाहिए कि उसे कमाएं और आगे से आगे बढ़े और संस्कारों का ध्यान न दें। अब संस्कार कहाँ से मिलेंगे बच्चे को, जो जब संस्कार हम अगर अपने घर के अंदर हमारा बच्चा देखेगा तो सीखेगा करके। तो हमारा जो ये कैंपेन है इसका हमारा मकसद है कि हम अपने भूले हुए जो सबक को हम वो याद करें और वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटें।
आपसे बात करने के दौरान मुझे ये भी लग रहा है कि जहां हम संस्कृति के जतन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग एक आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो अपने परिवार में वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की तरफ ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसे में ये कितना चैलेंज हो जाता है परिवार के बड़ों के लिए कि उन बच्चों को उस संस्कृति से जोड़े रखने के लिए क्या क्या उनको करना चाहिए। बच्चे अगर हमारे गैजेट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ ध्यान दे, तो ज़रूर हमको ये एकदम कहना चाहिए, हमारी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चों को मिलना चाहिए। इसका देखेंगे फिर हम वापस अगर इसके रूट की तरफ जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि आज हम चाहते हैं कि हर जब भी कोई एक आदमी अपने लिए बीवी की तलाश करता है तो वो चाहता है कि उसकी बीवी कमाने वाली होना चाहिए। जी ठीक है, इट्स गुड कि उसको कमाना चाहिए, लेकिन अगर कमाने के साथ साथ वो जो उसकी जो उसको जिम्मेदारी दी गई है अगर वो उसको अदा नहीं कर पाती है तो उसका परिणाम तो हमको भुगतना पड़ेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक केस में है, हम अगर उसको कहें कि आसान लफ्जों में कि हमने हमारे बच्चों को समय से पहले बड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं बुशरा जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक जो पुराना ज़माना होता था वहाँ पर एक न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट हुआ करता था, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं लुप्त होता सा नज़र आ रहा है, तो क्या ये एक वजह है कि एक परिवार में कहीं ना कहीं एक जहाँ हम स्ट्रांग परिवार की बात करते हैं तो परिवार को स्ट्रांग ना रखने में या नहीं होने में ये एक एस्पेक्ट है कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होता दिखाई दे रहा है? देखिए हमारी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था पहले फैमिली का, जो हम अगर एक पिक्चर देखते हैं आज से, अगर बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, 10 साल पहले भी अगर हम देखते हैं तो एक परिवार हम बोलते थे उसके अंदर था एक हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता है, बल्कि और कभी तो ऐसा होता था कि हमारे रिश्तेदार बुआ मौसी वो भी साथ में रहते थे करके, और वो सब मिलके बच्चों की एक तरबियत करते थे, उसको एक परवरिश करते थे। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मतलब मैं, मेरा घर, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, जिसकी वजह से, और उसमें भी बीवी ऐसे है कि वो बीवी बाहर जाने वाली है, तो फिर घर में बच्चों की कौन उनको परवरिश देगा, कौन उनको संस्कार बताएगा? संस्कार वो चीज़ें नहीं होती हैं कि हम बच्चों को पाठ पढ़ा दें, किताब पढ़ के बच्चे सीख जाए। संस्कार वो चीज़ें होती हैं जो बच्चा हमको देख कर सीखता है, जो हम करते हैं वो बच्चा हमसे लेता है। तो हम वो बच्चों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हम नहीं सेट हो रहे हैं, बच्चों को हम वो ऐसा एग्जाम्पल अपने आप को पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जाहिर है बच्चे के अंदर एनर्जी है, इंटेलिजेंस है, तो कहीं ना कहीं तो यूज़ करेगा, तो वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे जो है उसको पॉजिटिव इसमें यूज़ करे, तो हमको बच्चों को वो समय देना पड़ेगा जो उनका अधिकार है, उसको हम उनके अधिकार का उल्लंघन करते हैं अगर हम अपने बच्चों को गैजेट्स के हवाले कर देते हैं, चीज़ों के हवाले कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि आज का जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अभी इस जनरेशन के अंदर तो भी हम कुछ ना कुछ संस्कार थोड़े बहुत दिख जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम तो कुछ भी नहीं कह सकते कि वो क्या है करके, शायद हो सकता है कि वो इंसान के रूप में चलते फिरते रोबोट बन जाए। ये बहुत अहम बात बेनजीर जी आपने कही है, और एक सवाल मन में ये आता है कि जहाँ हम बात करें एक पीढ़ी बनाने की, तो एक पीढ़ी ने अपना काम कर चुके हैं और अभी जो मध्य पीढ़ी है जो कुछ तो उस दौर में थी, कुछ इस दौर में है, और जैसा कि एक चैलेंज आपने कहा है कि आने वाली पीढ़ी अब क्या होगी, तो जैसे आपने कैंपेन चलाया है कि स्ट्रांग फैमिली और स्ट्रांग सोसाइटी, तो आप अपने ये कैंपेन के जरिए क्या बताना चाहती है, किस तरह से इसकी रूपरेखा या किसकी इसकी प्रोसेस क्या है? कैंपेन का हमारा मकसद ये है कि लोगों को उनका भुला हुआ सबक लेसन याद दिलाना। देखिए हम सिर्फ लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अभी हमारी शुरुआत की, क्योंकि जब तक लोग सोचेंगे नहीं उस बारे में तब तक करेंगे नहीं। तो हमारा कैंपेन का मकसद है कि लोगों इस बारे की तरफ बारे के बारे में सोचें कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अंदर, जिसको हम जिसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए इंसान को ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बना है, उसको सोचने समझने की सब तरह की उसको कैपेबिलिटीज़ दी हैं, तो फिर हम क्यों नहीं सोचते हैं और क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि जिनके पीछे हम भाग कर ये सब कर रहे हैं तो आज उनका नतीजा कहाँ पर है? हम सोचकर रुककर सोचते क्यों नहीं हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या धरोहर छोड़कर जा रहे हैं? हमारे बच्चे कल हमसे सवाल करेंगे कि हमारे पास में आपने क्यों नहीं करा। तो हमारी कोशिश है कि एक इंसान से शुरू होती है, तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, और जागरूकता के जरिए से ही परिवर्तन आ सकता है, इनकलाब आ सकता है। तो हम जो सिर्फ हम हमेशा देखते हैं ना कि बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, हम हमेशा मिसाइल बनाने की बात करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाने की बात करते हैं, इतनी तरक्की देश ने की, रोड्स बन गए, ये बिल्डिंग, तो ये क्या हकीकी तरक्की है?
ये नहीं है, जब तक इसमें रहने वाले लोग सुखी नहीं है, जब तक इसमें जब तक इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों के अंदर मन के अंदर शांति नहीं है, तो फिर हमारी ये तरक्की किस काम की है? तरक्की को हमने मटेरियलिस्टिक क्यों बना के रख दिया है? हम इस बात की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारा परिवार सुखी हो, शांति से हो और सुरक्षित हो? इसकी सबसे वह है कि सुरक्षित हम महसूस नहीं करते हैं। तो सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस जो समाज की जो होना चाहिए, उसका जो तरबियत होना चाहिए, जो समाज के अंदर जो शिक्षाएं जाना चाहिए, वो परिवार से जाती हैं, और परिवार से शिक्षा नहीं जा पा रही है, तो हम सब उसके अंदर परेशान हैं, पूरा समाज परेशान है। और देखते हैं कि अब क्राइम रेट जो है बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, क्राइम रेट्स हैं, फीमेल सुसाइड का मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो डिमांड आज रखी जाती है लड़कियों के सामने शादी के लिए, तो फिर वो लड़कियां आज ऐसा सिचुएशन आ चुकी हैं कि एक लड़कियां एक स्टेज में पढ़ लिख के बोलती है हमको अब शादी नहीं करना, हम खुश हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, हम अपना इतना कमाते हैं अपनी ज़िंदगी गुजार सके करके। तो लेकिन इससे तो और जाहिर है जब इंसान को जो बनाया गया है तो उसकी एक अपनी नीड्स है, बॉडी की नीड्स है, दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड। तो फिर उसके लिए वो गलत तरीके अपनाते हैं, उससे फिर दूसरे सोसाइटी के और मसले आते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं, सिंगल पेरेंटिंग का केसेस हमारे सामने देखे जा रहे हैं, बच्चे जो है कहना चाहिए को छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह के बच्चों के केसेस हमारे सामने आए। तो समाज के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको क्राइम के रूट कॉज की तरफ हमको जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है करके। तो इसको हमने हमारा जो कैंपेन का मकसद है कि लोगों को इस बात की तरफ उनका ध्यान दिलाना करके कि हम रुक कर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो जिस चीज़ को पाने के इसमें कर रहे हैं तो वो वाकई हम पा रहे हैं कि उसके लिए हमको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है। परिवार का एक हर सदस्य होता है, माता पिता बच्चे होते हैं। तो अगर हम बात करें, आपने बहुत सही तरीके से एक इसका विश्लेषण जो किया है, तो जहां हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, घर में एक महिला की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके नज़रिए से पिता की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट वहीं से शुरू होती है, जब एक आदमी तय करता है कि मुझे अपना एक परिवार को आगे बसाना है, एक फैमिली लाइफ में एंटर करना है, द फर्स्ट मोस्ट थिंग है कि अपने लिए वो जैसे जीवन साथी की तलाश करता है जी। क्या वो ऐसी साथी की तलाश करता है कि जो उसके लिए 1000 रुपये कमा के लाए, या वो ऐसी तलाश करता है कि वो अच्छी एक पत्नी बने या अच्छी एक माँ बने? अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बन के घर में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने सारे एबिलिटीज़ को या सारे एजुकेशन को वेस्ट कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता। मतलब देख, हमको एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो दिया गया एजुकेशन का भी है, क्योंकि एजुकेशन ही नेशन को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन हमको जो कॉन्सेप्ट दे, इफ यू आर एजुकेटेड देन यू हैव टू गो आउट एंड वर्क एंड यू हैव टू अर्न द मनी, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये हम कोई मशीन, पैसा कमाने की मशीन नहीं है। एजुकेशन हमको सही सोच देता है, सही चीज़ों को देखने की, हमारे डिफ्रेंशिएट करने की ताकत देता है हमारे अंदर। तो यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए, हस्बैंड का जो मेन काम है कि वो भाई बाहर अपना इतने सफिशेंट अपनी अर्निंग रखे कि उसके फैमिली मेंबर सेफ रहें, वो अपने फैमिली के अंदर वो कुछ जो हमारे फैमिली से नॉर्म्स होते हैं, जो हम कानून रहते हैं, उनको वो लागू कर सके। लागू करने का मतलब हुकूमत चलाना बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक जो लेते हैं कि वो अपने दादा की, इट्स नॉट दैट। ज़ाहिर कोई भी चीज़ का एक हेड होना बहुत ज़रूरी होता है। जब उसका एक हेड होगा एंड सब उसका एक फैमिली है, उसका एक हेड होना ज़रूरी है। हर जगह का आप देखें, हर चीज़ का एक हेड होता है, तो फैमिली का हेड क्यों नहीं होना चाहिए? फैमिली के हेड को हम ऐसा क्यों समझते हैं कि यहाँ पे अपने दादा जी रहें? वो एक काम को स्मूथ वे में करने के, एक डिसिप्लिन वे में करने के लिए होता है। तो ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारा जो हस्बैंड है, सबसे पहले तो उसका चरित्र बहुत अच्छा हो। चरित्र अच्छा होगा तो जितना कमा के लाएगा उतना घर में लेकर आएगा। तो सिर्फ अगर हम उसमें भी हमने जो देखे, हम देखते हैं कि सिर्फ अच्छा कमाने वाला हो, बड़े जॉब का हो, बोलते हैं वो ठीक है, अगर उसका कुछ उसका चरित्र ख़राब है, क्योंकि चरित्र का महत्व हमारे अंदर से धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता चले जा रहा है। अगर कोई अच्छा पोस्ट पर है, अच्छा आदमी है, तो उसका चरित्र ख़राब भी है, तो हम उसको मतलब आउटलुक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो चरित्र जो होता है इंसान का, अगर वो हो, अगर देखें, अगर हमारी जो फैमिली के जो कहते हैं कुछ एजुकेशन है, जो तालीम है, वो सही नहीं होने की वजह से आज हम अपने सोसाइटी के डिफरेंट्स में उसका वो देख सकते हैं असर। हाँ, आप देखिए ना, पार्लियामेंट में हमारा तरीका देखिए, द वे हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, आप हमारे जहाँ पे देखिए, हाँ, डिबेट्स होती है, तो उससे हमारे संस्कार सामने समझ में आ जाते हैं कि क्या बच्चे भी एक फैमिली में भी वो सारी चीजें देखते हैं करके, तो कहीं ना कहीं वो जहन में रह जाता है जी। तो चलते चलते बेनाज़िर जी और बुशरा जी, मैं आप दोनों से हमारे दर्शकों के लिए और एक अच्छी फैमिली के लिए, आप पूरे एक परिवार में हम मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, दो मियाँ बीवी हैं और उनके भी माता पिता हैं, एक ऐसी फैमिली के लिए, एक स्वस्थ और एक स्ट्रांग फैमिली होने के लिए, जो कि एक स्वस्थ समाज बना सके, स्ट्रांग समाज बना सके, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
संदेश हमारा यही है जो हमारे कैंपेन का है करके कि इसमें बड़ों का हमको आदर करना चाहिए, छोटे से प्यार करना है, एक दूसरों को कि हमको उसकी उनकी कमियों के साथ में और उनकी खूबियों के साथ में अपनाना है। हम सब इंसान हैं, हम दोनों चीज़ों का मिक्स हो सकते हैं ना, कोई भी चीज़ परफेक्ट, तो उनकी जो कमियाँ हैं उसको हमको दूर कर आप उसके साथ भी उससे प्यार करना है, उसके साथ भी उसका आदर करना है। और हमारे जो माँ बाप हैं जिन्होंने हमको आज इस यहाँ पर लाकर बनाया है, जिनके जैसे हम हैं, उनका उनका अधिकार, उनका जो आज उनको जो हमारी ज़रूरत है, उनको जो हम ओल्ड एज में भेज दिया जाता है जिसकी वजह से, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को देखें ये संस्कार दें कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी में कितने भी उम्र होने के बावजूद भी उनका जो है स्टेटस है वो कभी कम नहीं हो सकता है, हमेशा बढ़ सकता है करके। तो आज जो हम बच्चों के लिए अपने एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वही बच्चे हमारा कल फॉलो करने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज समाज जिस अवस्था में है, यहाँ पर आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं, जहाँ की हमने बेनजीर मैडम से और बुशरा जी से भी बात की, तो ये आपराधिक प्रवृत्तियाँ भी तो किसी परिवार का हिस्सा रही होगी, कहीं ना कहीं वो परिवार स्ट्रांग नहीं रहा होगा जिससे वो स्ट्रांग समाज का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन जितने भी दर्शक हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्ट्रांग परिवार, इसमें हर एक इंसान की, परिवार से जुड़े हुए इंसान की एक अपनी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारे साथ में बेनजीर खान जी और कुरतुल्लैन बुशरा जी, इन्होंने हमारे साथ में साझा किए अपने विचार। उन्होंने बताया कि एक स्ट्रांग फैमिली किस तरह से स्ट्रांग सोसाइटी को ईजाद कर सकती है, और यही सपना जो है एक अच्छा भारतवर्ष बना सकता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत किया, दर्शकों को आपने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, बहुत बहुत थैंक यू सर।